हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग बनाने जा रहे हैं जलजीरा। घर में कैसे बनाएं सर्दियों में, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, हमारे जो हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा है और साथ में टेस्टी भी है, जो हमें ठंडक भी पहुंचाता है। तो चलिए उसके लिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिएंगे आपको। यहाँ पर मैंने कुछ पुदीने की पत्तियाँ ली हुई हैं, आप अपने जितना क्वांटिटी में आपको बनाना है उतना ही आप ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 4 नींबू लिए हुए हैं और यहाँ पर हींग है, ब्लैक सॉल्ट है, काला नमक है, कुछ जो है मैंने यहाँ पर ब्लैक पेपर्स हैं, काली मिर्चें, उनको थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है। और ये जो मैंने यहाँ पर इमली का घोल लिया हुआ है, इसका मुझे पानी चाहिए। और मैंने 2 बड़े टेबलस्पून चीनी है उसको मिक्सी में पीस लिया है। हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डाल सकती हैं। यहाँ पर ये मैंने चाट मसाला लिया हुआ है, मैं इसका भी यूज़ करने वाली हूँ इसमें। और स्पेशली जो बहुत हमारे लिए स्पेशल होता है वो है ये बूंदी, तो मैं यहाँ पर ये बूंदी भी इसमें डालने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक मिक्सिंग के जार में पुदीने की कुछ पत्तियाँ और ये डाल लेती हूँ और उसे फिर मिक्सी में पीस लूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर इस जार में जो है पुदीने की कुछ पत्तियाँ ली हुई है, साथ ही मैं जो ये इमली का पानी है इसमें डालने वाली हूँ। और जो है ये जो काली मिर्च है मैंने पीस कर रखी हुई थी इसमें, इसको भी इसमें डाल देते हैं। अभी जो मैं इसको यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें ये जो चीनी है मैंने 2 चम्मच लिया हुआ है, तो इसको भी इसमें डालने वाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं मिक्सी को इसमें पीस लेती हूँ मिक्सी में। यहाँ पर पुदीने और जो मैंने इसमें डाला था चीनी, उनको पीस लिया है मिक्सी में। अभी मैं इसमें जो है पानी वगैरह ऐड करूँगी और चीज़ें ऐड करूँगी। तो गाइस, यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया हुआ है, इसके अंदर जो मैंने ये मिक्सी में पीस लिया था पुदीना और जो है इमली का पानी था इसमें, मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इमली का पानी और डालने वाली हूँ। आप इसे छान कर डाल सकते हैं। और अभी जो यहाँ पर है मैं डालूँगी काला नमक, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। मैं यहाँ पर आधा चम्मच डाल रही हूँ। और जो बची हुई चीनी थी मैंने वो भी इसमें डाल दी है। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा हींग भी डालने वाली हूँ। हींग है जो हमारे हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और अभी इसमें जो मैंने ये चाट मसाला मैंने रखा हुआ था ये भी डालने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब डाला है ये, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और अभी मैं इसमें जो है नींबू ऐड करने वाली हूँ। तो अभी यहाँ पर जो है मैं नींबू निचोड़ने वाली हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग निचोड़ सकते हो, 1 या 2 नींबू निचोड़ सकते हो। मैं यहाँ पर 2 नींबू निचोड़ने वाली हूँ।
अभी हम इसमें और पानी ऐड करेंगे। आप इस तरह से जब जलजीरा बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनेगा। हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है काला जो नमक है उसे भी ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे इसे आधा चम्मच ऐड कर रही हूँ और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरह से जलजीरा बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनेगा और ये हाजमे के लिए भी बहुत ही बढ़िया होगा। यहाँ पर हम ये बर्फ़ के पीसेज उसमें ये भी डाल देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितना भी डालना चाहो। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। हम यहाँ पर सर्व करते हैं जो कि हमने जलजीरा बनाया हुआ है। गाइस, ये हमारा जलजीरा हाजमे तक बिल्कुल रेडी है एकदम से। आप इस तरह गर्मियों में बनाकर पिए, आपको बहुत ही ठंडक मिलेगी और आपका हाजमा भी सही रहेगा। और ये बहुत ही मज़ेदार है, घर पर बनाया हुआ प्योर है बिल्कुल ही। तो इस तरह से अगर आप जलजीरा बनाओगे बहुत टेस्टी लगेगा आपको और मज़ा आ जाएगा पीकर। तो प्लीज़ आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना भी है और बनाइएगा भी कि ये कैसा लगा और ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। थैंक्स गाइस, थैंक यू गाइस। ये हमारा जलजीरा हाजमे तक बिल्कुल रेडी है एकदम से। आप इस तरह गर्मियों में बनाकर पिए, आपको बहुत ही ठंडक मिलेगी और आपका हाजमा भी सही रहेगा। और ये बहुत ही मज़ेदार है, घर पर बनाया हुआ प्योर है बिल्कुल ही। तो इस तरह से अगर आप जलजीरा बनाओगे बहुत टेस्टी लगेगा आपको और मज़ा आ जाएगा पीकर। तो प्लीज़ आप इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके बताना भी है और बनाइएगा भी कि ये कैसा लगा और ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। थैंक्स गाइस, थैंक यू।